पूरे देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो प्रदेश में भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में जयपुर, राजधानी जयपुर कोरोना संक्रमण से प्रभावित है। इंडिया न्यूज़ संवाददाता ने जायजा लिया है, क्या कुछ स्थिति है जयपुर में और राजस्थान में कोरोना की, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 1422 नए केस सामने आए और राजधानी जयपुर में 188 केस सामने आए। वहीं दूसरी ओर रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में रिकवरी रेट 500 से अधिक रही। वहीं प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 10,000 के पार रही। लगातार जिस तरह आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना की जाए। लेकिन वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हो गए और लगातार में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास करने में लगी है, लोगों से अपील भी की जा रही है, सख्ताई भी की जा रही है और चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन लोग जिस तरह लापरवाह हो गए हैं इसके कारण आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। एक तरफ डॉक्टर वैक्सीन के जो टीका है वो लगातार बढ़ाने में लगी है ताकि लोगों को फायदा मिल सके। 1 अप्रैल से लगातार 45 वर्ष से अधिक के जो व्यक्ति है जिनको गंभीर बीमारी है उनको फ्री में वैक्सीन भी लगाई जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कोरोना जड़ से खत्म नहीं होगा। ऐसे में सरकार की गाइडलाइन की पालना हो ताकि कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज़।